इस वक्त हम टच ऑफ गोल्ड मैगजीन की ओर से चेंज कॉर्नर में प्रकाश जी के साथ खड़े हैं और प्रकाश जी से जानना चाहेंगे कि सर इस वक्त बिजनेस का सेंटीमेंट क्या है, इस सीजन में बिजनेस कैसे रहेगा। सबसे पहले तो मैं सभी का शुक्रिया अदा करूँगा और ख़ासतौर पर GGS का कि उन्होंने एक बहुत शानदार ये शो ऑर्गेनाइज़ किया। और जैसे कि ये शो दिवाली शो है और इसका टैगलाइन भी है हमारा अपना शो, तो हमारा अपना शो के अंदर सभी जो विजिटर्स आए हैं देश भर से उनका सभी का हार्दिक स्वागत। दूसरा, ये आपने जो प्रश्न किया कि आने वाला सीज़न कैसा होगा, तो देखिए यहाँ से सीज़नों की शुरुआत होती है और सीज़न की शुरुआत के अंदर अब यहाँ से नवरात्रि चलेगा, नवरात्रि के बाद दिवाली, दिवाली के बाद मैरिज सीजन शुरू हो जाता है। तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि इस सीज़न में काफ़ी बढ़िया काम होगा। और सर ये सीज़न में काफ़ी बढ़िया काम है, वेडिंग सीज़न भी साथ में है, तो मेन बायर का टेस्ट क्या चल रहा है, बायर का प्रेफरेंस क्या है, सिलेक्शन क्या है? नहीं, बायर का टेस्ट अपने कस्टम्स के हिसाब से होता है। अगर शादी के अंदर है तो शादी के अंदर वो वेडिंग ज्वेलरी खरीदनी चाहते हैं, हैवी ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं। लेकिन आजकल के जो यंग जनरेशन है, जो मिलेनियम कलेक्शन है, उसके अंदर उन्होंने रोज़ गोल्ड को काफ़ी पसंद कर रहे हैं, तो इससे हम कह सकते हैं कि लाइट वेट ज्वेलरी और रोज़ गोल्ड का अच्छा चलन चल रहा है। और हमने जो इस वक्त जो नया स्टॉक्स किया था वो सारा मिलेनियम कलेक्शंस को ध्यान में रख के किया था। हाँ। तो वो काफ़ी बढ़िया, उसका प्रतिसाद भी हमें मिला है। अच्छा प्रतिसाद मिला। तो सर बॉटम लाइन क्या बोलेंगे, बॉटम लाइन ये सीज़न कैसी रहेगी? मैं बहुत आशावाद हूँ क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर स्वर्ण जो है वो पूरा जन्म मरण पर्यंत तक चलता है। तो आप ये कह सकते हैं कि सोना सदा के लिए,